आय हाय, क्या हाल है गाइस। दिस इज राज और आप देखने वाले हो आज की नई रिव्यू, नए स्मार्टफोन की रिव्यू करने वाले हैं गाइस आज हम फिर से, क्योंकि गाइस आज हमारे पास कुछ नया सा, कुछ खास सा मोबाइल फोन जिसके करने वाले हैं आज हम रिव्यू। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि गाइस आज करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 7 की रिव्यू। तो गाइस दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आपके सामने आ रहा है टेक्नो स्पार्क 7। सो गाइस वो तो आ चुकी है, बट करने वाले इसकी रिव्यू, जानने वाले हैं क्या है इसमें खास, क्या कुछ खास लेके आई है टेक्नो ने इस नए वाले फोन में, और क्या कुछ कमाल कर पाती है टेक्नो आगे वाले फ्यूचर में। बट आजकल टेक्नो की काफ़ी तगड़ी तगड़ी फोन आ रही है सस्ते में, बजट में, तो आपको देखनी चाहिए टेक्नो स्पार्क 7 को। काफ़ी सस्ते वाली फ़ोन है, इतनी सस्ती है कि आप इसे जरूर से खरीदना चाहोगे। अगर आपके पास अंडर बजट फ़ोन आप लेना चाह रहे हो, आपके पास 10,000 से कम रुपए हैं और आप एक बजट वाला तगड़ा वाला फ़ोन लेना चाह रहे हो, तो आप टेक्नो स्पार्क 7 पे जरूर से जाओगे, उसे जरूर से चाहोगे खरीदने, क्योंकि इस फोन में कुछ ऐसी खास बातें हैं। तो चलिए गाइस वीडियो की ओर बढ़ते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं देना चाहूँगा शाउट आउट अपने सब्सक्राइबर क्रिमिनल गेमिंग को। सो गाइस, सो भाई थैंक यू सो मच दिल से सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही मैं देना चाहूँगा शाउट आउट क्यूटी पाई बनी को। तो यार आपको भी बहुत बड़ा वाला शॉर्ट आउट सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और गाइस अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो सिंपल है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पहुँचे मेरी नई वीडियो की और मुझे पहुँचे कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मैं दे सकूँ आपको शॉर्ट आउट अपने वीडियो में। तो चलिए गाइस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। टेक्नो स्पार्क 7 एक एंट्री लेवल फ़ोन है जिसमें 64GB स्टोरेज दिया गया है जो कि बहुत तगड़ी है। और हाल ही में गाइस टेक्नो ने अपने स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 7 को इंडिया में लॉन्च किया है, जिसके बहुत सारे लोगों ने रिव्यू और अनबॉक्सिंग किए हैं। बट हमारे पास अभी फ़ोन नहीं आ सकती क्योंकि आपको पता है ना, तो मेरे 1K है, ना तो मेरे 10K, ना तो 100K। तो जल्दी से 1K करा दो। अब 1K के बाद अगर मेरे को नहीं आती है तो मैं परचेस करके आप लोगों को रिव्यू दे दूंगा, बट दूंगा अनबॉक्सिंग के साथ। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। टेक्नो स्पार्क 7 की बिक्री, मतलब की सेलिंग जो है वो अमेजोन इंडिया से हो रही है। और टेक्नो स्पार्क 7 एक एंट्री लेवल फ़ोन है जिसमें कि आपको 64GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। तो जिन भाई साहब लोगों को नहीं पता है कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन क्या होता है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन वो होते हैं जो कि अंडर बजट होते हैं। पहली बात, अंडर बजट मतलब 10,000 20,000 के अंदर, 20,000 फिर भी आउट ऑफ बजट हो गया, 10,000 के अंदर वाले स्मार्टफोन जिसमें कि फीचर्स तगड़े वाले दिए रहेंगे, कूट कूट के दिए रहेंगे, आग लगाने के लिए दिए रहेंगे, तो उसे कहते हैं एंट्री लेवल स्मार्टफोन, समझ गए ना। सो गाइस पॉपुलर जो है ये स्मार्टफोन इस कारण से नहीं है क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी कम है, तो ये इस कारण से पॉपुलर है। अगर मैं बता दूं गाइस कि इसमें दो वेरिएंट है, पहला वेरिएंट है 2GB रैम और 32GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपको गाइस कुछ 7,499 रुपये देखने को मिलती है, यानी 7,499 रुपये। और अगर हम बात कर लें 3GB रैम और 64GB स्टोरेज की, तो उसकी प्राइस गाइस आपको कुछ 7,999 रुपये देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी सस्ती है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, बाकी सबके हिसाब से, क्योंकि काफ़ी सस्ती वाले स्मार्टफोन ये बनाता है। और गाइस अगर हम बात कर लें डिज़ाइन की, कैसा डिज़ाइन है, कैसा डिस्प्ले है, कैसा बैक पैनल है, कैसा साइड वाइड है, तो इसके बारे में अगर हम बात कर लें गाइस, तो ये आपको, तो टेक्नो स्पार्क 7 की बैक पैनल पे आपको टेक्सचर देखने को मिल जाती है। और बैक पैनल के जो बनाने की जो, मतलब जैसी वो बनी है, वो बहुत ही शाइनिंग वाली है और उस पर उंगलियों के निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ते। आप इसे कवर हटा के भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपकी उंगली के निशान इस पर पड़ने वाले नहीं हैं। और आपको बैक में 5 पैटर्न देखने को मिल जाती है जो कि फोन को काफ़ी क्लासी बनाती है, काफ़ी कूल बनाती है। और अगर आप देखोगे रियर कैमरा को गौर से, तो आपको काफ़ी प्रीमियम लगेगा देखने में, और मेरे ख्याल से हाँ सच्ची में काफ़ी, क्योंकि ये जो इसकी जो कैमरा की जो शेप है, फॉर्म जो है, वो एक लाइन से जो लगी पड़ी है, वो काफ़ी प्रीमियम आपको देखने में लगता है। और साथ ही में आपको बैक पैनल पे एक फिंगर प्रिंट भी देखने को मिलता है जिसके ज़रिए आप फ़ोन को काफ़ी जल्दी से अनलॉक कर पाएंगे। और सिम कार्ड को इसमें सबसे ज़्यादा अजूबे, मतलब कि सिम कार्ड को इस फ़ोन के ऊपर में दिया गया है, जो कि मेरे को सबसे अलग लगा यार, क्योंकि सिम कार्ड आजकल राइट या फिर लेफ्ट में आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राइट में होते हैं, बट आजकल लेफ्ट में शिफ्ट कर दिए गए हैं।
और ये वाली फोन में आपको ऊपर में देखने को मिलती है, जो कि मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगी इसकी। और साथ ही में फोन में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि एक बुरी बात है, क्योंकि यार सिंगल स्पीकर आपको पता ज्यादा आवाज करती नहीं है। अब वो भी स्पीकर आपको कैमरे के ऊपर देखने को मिलती है, जो कि तगड़ी वाली नहीं होती मेरे ख्याल से, नहीं ऐसा होता है तगड़ी वाली नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप बैक में अगर आपको नीचे में स्पीकर देखने को मिलती तो वो काफी ज्यादा साउंड देती है, बट इसमें उतनी ज्यादा साउंड नहीं होगी, आप उतने अच्छे म्यूजिक का मजा नहीं ले पाओगे। और उसी के साथ में नीचे में आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है और माइक्रो यूएसबी लगाने का भी वहीं पे ऑप्शन दिया गया है। और गाइस बात कर लें, इस सेगमेंट में ये सबसे गुड लुकिंग फोन है अपने सेगमेंट में, मतलब इस बजट प्राइस पे, इस प्राइस पॉइंट पे सबसे तगड़ी वाली फोन मेरे को लगी है अभी तक की स्पार्क 7। फ्यूचर में मैं इसकी अनबॉक्सिंग जरूर से करूंगा अगर इसकी स्पार्क 12 या 13 आती है, मतलब अभी 10, 7, 8, 9, 10 तो नहीं ले पाएंगे, 12 या फिर 13 या फिर 11 भी कोशिश करेंगे लेने की। बस सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे कर दो मेरे 1K जल्दी से, उसके बाद देखो मैं तालका मचाने वाला हूँ। और गाइस जहाँ तक बात रही इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के बारे में बात करने का है, तो इसका डिस्प्ले काफी स्मूथ है पहली बार, क्योंकि गाइस ये फुल HD प्लस डिस्प्ले इसमें दिया जाता है। और साथ ही फ्रंट कैमरा भी आपको काफी तगड़ी सी देखने को मिलती है। और गाइस इस फोन में जो मेरे को एक अच्छी बात लगी और जो एक बुरी बात लगी वो है कि इस फोन में आपको जो अच्छी बात है वो पहले बता देता हूँ, कि वो जो फोन है गाइस उसमें पहले आपको स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर पहले से होता है, जो कि मेरे को काफी तगड़ी सी लगी, बट कंपनी ने अभी तक गोरिल्ला ग्लास के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये बात मेरे को बुरी लगी कि गोरिल्ला ग्लास इसमें नहीं है, वेरी सैड। सो गाइस अगर हम बात कर ले कैमरा के बारे में, तो कैमरा के बारे में क्यों ना जाने गाइस, क्योंकि कैमरा ही तो एक फोन की हालत दर्शाता है कि वो फोन किस कैटेगरी का है, कैसी चलेगी फ्यूचर में और प्रेजेंट में, तो उस फोन के बारे में जान लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। सो गाइस रियर की बात करें, तो रियर में आपको डुअल सेटअप देखने को मिलता है कैमरा का, जो कि पहला जो है वो है 16 मेगापिक्सल का, और जो दूसरा है वो है AI लेंस, वो कैमरा नहीं है वो AI लेंस। और गाइस जहां तक बात रही सेल्फी कैमरा की, तो उसके बारे में बात क्यों ना करें यार, सेल्फी कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का है, जो कि मेरी सेल्फी कैमरा भी 8 मेगापिक्सल की, तो आपको पता लग सकता है, आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे आपकी फोटो आने वाली है आपके फोन में। मेरी फोटो देख लो, मेरी वीडियोस देख लो, आपको पता लग जाएगा कि कैसी इसकी कैमरा क्वालिटी होती है 8 मेगापिक्सल की। तो आप मेरे को देख लो और उस फोन की देख लो, बराबर है, क्योंकि इसमें भी 8 है उस फोन में भी 8 ही है। और जहां तक बात रही गाइस इसके कैमरा के फीचर्स के बारे में, तो कैमरा फीचर में आपको टाइम ट्रैवल करने मिलता है, सॉरी गाइस इसमें आपको टाइम लैप्स करने को मिलता है, और स्लो मोशन देखने को मिलता है, जो कि स्लो मोशन बोले तो सलमान भाई का स्लो मोशन, वो भी 1080 में फुल HD में। आप किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, बना सकते हो, स्लो मोशन को भी आप 1080 में बना सकते हो। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेगा, तो ये फोन आपको एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है, जो कि सबसे अपडेटेड है, शायद अपडेटेड है। साथ ही में गाइस इसमें आपको 2 GB रैम, वो जो 64 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, आप उसे एक्सपेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, वो भी काफ़ी तगड़ी सी बात है। जहाँ तक बात रही गाइस इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो वो भी हम जान लेते हैं। जहाँ तक बात रही 2 GB रैम के बारे में, तो 2 GB जो वेरिएंट है गाइस वो आपको मीडियाटेक हेलो A20 प्रोसेसर देखने को मिलती है, जो कि अब उतनी तगड़ी तो नहीं होती, बट हाँ काम चला हुआ है 2 GB रैम के साथ, इतनी ज़्यादा भी मिल रही तो वो भी ठीक ठाक चलने वाली है। और जहाँ तक बात रही 3 GB की, तो वो भी आपको मीडियाटेक हेलो A25 पे देखने को मिलती है, प्रोसेसर इसका A25 है, वो भी ठीक ही ठाक है, अब उतनी तगड़ी भी नहीं बोल सकते कि आग लगा देंगे एकदम से, तगड़ी भौचाल मचा देंगे, भूकंप ला देंगे, वो सब नहीं होता, अच्छी खासी तगड़ी सी चल जाएगी, आप इसमें गेमिंग कर सकते हो, बट ये गेमिंग फोन ये कतई नहीं है, आप इसमें हैवी गेम नहीं चला सकते, जैसे कि COD वगैरह आपको थोड़ी सी लैग देंगे, बट आप PUBG खेल सकते हो तगड़े से, 3 GB रैम में चलेगी बहुत करते वाली। और आप इसकी मेमोरी को जो एक्सपेंड कर सकते हो वो कुछ 256 GB है, मतलब 256 GB समझ रहे हो भाई, 256 GB में बहुत कुछ हो जाते हैं आजकल, तो हर एक गेम अगर हम ले लें तगड़ी तगड़ी वाली, तो वो 256 के अंदर निपट के रह जाएंगी। और गाइस जहाँ तक बात है इसकी प्राइस के बारे में, जो कि प्राइस इसका सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, और उससे पहले बैटरी इसकी इंपॉर्टेंट रखती है, तो बैटरी गाइस मेरे को सबसे इंप्रेसिव लगा, क्योंकि इसका बैटरी 6000 mAh की बैटरी, ह्यूज वाली बैटरी बैकअप दे रहा है आपको। आप अगर बैटरी बैकअप देखोगे तो काफ़ी तगड़ी सी दे रहा है, आप इसे बैटरी के हिसाब से भी काफ़ी तगड़ी सी चल जाती है, 40 घंटे चलने का वादा करता है कंपनी, मुझे नहीं पता चलती है कि भी नहीं, चलती होगी, 6000 mAh तो चल ही जाती होगी, आप इसमें गेम खेलोगे तो थोड़ी सी कम चलेगी, बट अगर आप 40 घंटे तक चलाना चाहो तो इसको फुल बैटरी पे आराम से चलाओ इसे, इसके साथ में झगड़ा नहीं करना गाइस। और गाइस जहाँ तक बात रही हमारे रिव्यू की, तो यार हमारे रिव्यू में हमें यही पता लगा कि ये फ़ोन
अपने बजट में सबसे अच्छी फ़ोन है, अपने बजट के अंदर सबसे तगड़ी वाली फ़ोन है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना और साथ में मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आपके पास पहुंचते रहे। अगले वीडियो मिलेंगे नई कंटेंट नई चीज़ के साथ नए एंटरटेन के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, अगली वीडियो मिलेंगे, सी यू। अपना ख्याल रखना, अगली वीडियो मिलना है जबकि।